नमस्कार, न्यूज 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन। राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ पहली खबर राजस्थान के दो बड़े खिलाड़ियों को मिल रहे राष्ट्रीय सम्मान को लेकर है। आज पैरा ओलंपियन अवनी लखेरा और कृष्णा नागर को राष्ट्रपति मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देंगे। इन दोनों ने ही हाल ही में खत्म हुए पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था और देश का नाम ऊंचा किया था। तो ऐसे में इन लोगों को इस बार के इस खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुनाया गया है और आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में इन दोनों ही खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। राजस्थान की दूसरी खबर राजनीति से है, लेकिन बात सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में इतने वक्त से चल रहे मन मुटाव के दूर होने के संकेतों को लेकर, जो कि राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर साबित हो सकती है। दरअसल पिछले साल आए राजस्थान के राजनीतिक संकट के बाद से ही इन दोनों के बीच में दूरियां काफ़ी बढ़ गई थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान लंबे वक्त से लगातार इन दोनों के बीच में बेहतर तालमेल बनाते हुए राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई थी। ऐसे में पहले अशोक गहलोत को बुलाया गया दिल्ली। वहाँ पर सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत से राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल के साथ साथ सत्ता और संगठन में कांग्रेस नेताओं की भागीदारी को लेकर, जो कांग्रेस के पास रोड मैप तैयार था कांग्रेस की कमेटी द्वारा बनाया गया, उसके बारे में बताया, उनसे सजेशन लिया, उनकी राय ली। अब सचिन पायलट को भी कल बुलाया गया सोनिया गांधी ने। उन्होंने सोनिया गांधी से बातचीत की और अपनी बात उन्होंने रख दी। ऐसे में कांग्रेस हालाकमान ने इन दोनों ही बड़े नेताओं को संकेत दे दिया है कि कहीं ना कहीं दोनों को अपनी अपनी बातों को लेकर कुछ एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। और अब उसके बाद ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि सचिन पायलट, यदि उनके समर्थकों को सत्ता और संगठन में बेहतर भागीदारी मिलती है, तो वे राजस्थान के बाहर राष्ट्रीय राजनीति में कोई बड़ी भूमिका में नज़र आ सकते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को अब काफ़ी राहत भरी खबरों की उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में, और उसके बाद सत्ता और संगठन में फेरबदल और विस्तार की भी जो रोड मैप तैयार हुआ है वह सामने आ सकता है। तो एक तरह से जो गतिरोध बना हुआ था इन दोनों के बीच में, उसे कांग्रेस आलाकमान की ओर से ख़त्म करने में शायद काफ़ी हद तक अब सफलता भी मिलती नज़र आ रही है। तीसरी खबर राजस्थान की विद्युत समस्या से लेकर जुड़ी हुई है। राजस्थान में जिस तरह का बिजली संकट सामने आया था और परेशानी उत्पन्न हुई थी कोयले की कमी के कारण कुछ वक्त पहले, उसे देखते हुए अब राजस्थान ने एक बार फिर से सोलर प्लांट को महत्वता देनी शुरू कर दी है, क्योंकि राजस्थान सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है सोलर ऊर्जा के जनरेशन के लिहाज से। तो ऐसे में अब सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी राजस्थान सरकार की ओर से फिर से देने की बात कही गई है। इसके लिए 1 से 3 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने पर 40% और 4 किलोवाट से अधिक की सोलर प्लांट लगाने पर 30% तक की सब्सिडी राजस्थान सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है क्योंकि राजस्थान में सोलर ऊर्जा यदि कहीं प्लांट लगा रहता है तो उससे काफ़ी बिजली बनती है, नियमित रूप से बनती है। जितनी ज़रूरत है छत पर इस प्लांट को लगाने के बाद या खुली जगह पर इस प्लांट को लगाने के बाद उपयोग किया जा सकता है, और बाकी जो बिजली बची है उसे सरकार काफ़ी सस्ते दामों में खरीदती है और लोगों की ज़रूरतें इससे पूरी भी हो जाती है। तो ऐसे में राजस्थान सरकार की ओर से एक बार फिर से सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया गया है। चौथी बड़ी खबर राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर है। सोमवार से सरकारी स्कूल अब पूरी तरह खुल जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास की स्थिति को लेकर अभी तक कोई अधिकृत रूप से स्कूलों की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या आगे भी ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी या स्कूलों में आकर ही ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने जो संशोधित गाइडलाइन जारी की है उसके तहत खुले मैदान में प्रार्थना सभा अड्डे पर भी छूट दे दी गई है, लेकिन स्कूल में कॉलेज में जितने भी कैंटीन होंगे उन्हें खोलने की सरकार की ओर से इजाज़त नहीं दी गई है। तो एक बार फिर से पूरे दमखम के साथ, पूरी क्षमता के साथ राजस्थान के सरकारी स्कूल अब खुल जाएंगे। पाँचवीं और आखिरी खबर कोरोना को लेकर है, लेकिन इस बार फिर से एक बार चिंता की लहर के रूप में यह सामने आ रही है। शादी विवाह के कार्यक्रमों, त्योहारों में और खेलों में मिली छूट के बाद
एक बार फिर से राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मामलों की तादाद बढ़ती नज़र आ रही है, जो कि अब मेडिकल विभाग के लिए भी चिंता का बड़ा कारण बनी हुई है, क्योंकि अभी दीपावली सहित कई बड़े त्यौहार खत्म हुए हैं जिनमें भीड़ भाड़ बाज़ारों में देखी गई, लोगों का मिलना जुलना भी काफ़ी ज़्यादा रहा, और यही कारण है कि एक ही दिन में यानी कि पिछले 24 घंटे में राजस्थान में कुल 22 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ गए, और उसमें से अकेले 10 मामले कोरोना पॉजिटिव के नए जयपुर में ही मिले। इसमें सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह कही जा रही है कि राजस्थान सरकार हमेशा से ही कहती आई है कि केंद्र उसे वैक्सीन देने में भेदभाव करता रहा है। मान लिया गया राजस्थान सरकार की यह बात उस वक्त सही है, लेकिन अब जबकि केंद्र सरकार की ओर से उसे करीब 93 लाख वैक्सीन की डोज भेज दी गई है, बावजूद उसके उसे लगाने में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी तरह लापरवाही बरत रहे हैं, क्योंकि करीब 15 लाख टीके तक लगाने का हर रोज़ राजस्थान सरकार दावा कर रही थी, लेकिन मुश्किल से 1 लाख टीके भी आजकल नहीं लग रहे। ऐसे में यह वैक्सीन का डोज जो स्टॉक है वह बढ़ते बढ़ते अब 93 लाख तक पहुंच गया है, और ये गोदामों में ही कोल्ड स्टोरेज में पड़े हैं। कब इन्हें जनता को लगाया जाएगा, कितनी तेज़ी से अभियान चलाया जाएगा, इसका जवाब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के पास ही नहीं है, क्योंकि मानो उन्होंने भी अब कोरोना को हल्के में लेना शुरू कर दिया। और यही कारण है कि जिस तरह लोगों की लापरवाही लगातार बड़ी नज़र आई है, लोगों ने मास्क तक लगाना छोड़ दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही बहुत दूर हो गई है, तो ऐसे में उसके चलते अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और वैक्सीन की सुरक्षा जो एक बड़ा कवच मानी जा रही थी उसे लगाने में भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही नज़र आ रही है।